नगर निगम काम अब कर रहा है, पर्यटन विभाग की ओर से उसको लेकर अब युवा भी आगे आने लगे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कंट्री फाउंडेशन की ओर से शहर में रंग दे जयपुर अभियान की शुरुआत की गई। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ ही प्रोफेशनल्स भी शहर को साफ सुथरा बनाने में जुटे हुए हैं। ये युवा सुबह से ही अपने घरों से निकलकर शहर की सफाई में जुटे हुए हैं। मैं कंट्री के साथ जुड़ी हुई हूँ। कंट्री एक सोशल स्टार्टअप है। हमारा आइडिया है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सोशल कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इंटरेस्टेड होते हैं वॉलंटियरिंग करने के लिए या कुछ सामाजिक कॉज में कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो बेसिक आइडिया हमारा यही है और उसी के तहत हम रंगदे जयपुर कर रहे हैं और ये रंगदे का चौथा एडिशन है। हम अक्टूबर से काम कर रहे हैं और हमने सिंधी कैंप से शुरू किया था। अब उसी काम को हम पूरा कर रहे हैं। सिंधी कैंप से लेकर रेलवे स्टेशन तक जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं यहाँ पे, हम सब कलर पेंट करके इस शहर को सुंदर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बस ये चाहता हूँ कि जितना भी यूथ है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, अपने फ्री टाइम में एटलीस्ट अपना 2 आवर्स तो दे ही सकते हैं यहाँ पे इस साइट पे, ताकि हम अपना जितना भी हमने सोचा है, जो हमने सिंधी कैंप जैसे हमने स्टार्ट किया था बस स्टैंड और जैसे हम रेलवे स्टेशन कर रहे हैं, तो ये 19 से 24 तारीख तक हम अपना प्लान स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जितने भी सब कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं या फिर जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे आके इस एनवायरमेंट में थोड़ा जुड़ेंगे तो सिटी के लिए भी अच्छा होगा। रंग दे जयपुर अभियान के चौथे चरण में जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने मेट्रो पिलर्स और आसपास के क्षेत्र की सफाई का काम शुरू किया गया है। बाहर से जयपुर आने वाले लोगों को शहर साफ सुथरा दिखे, बस इन युवाओं की यही तमन्ना है। ये युवा रोज हाथों में झाड़ू और रंग की कूची लेकर न सिर्फ शहर की सफाई करते हैं, बल्कि गंदी और बदरंग दीवारों पर गुलाबी रंग भी करते हैं। ये रंग दे जयपुर का चौथा एडिशन है। सबसे पहले हमने सिंधी कैंप से शुरू किया था, तो जो हमने काम सिंधी कैंप पे शुरू किया अब हम उसे रेलवे स्टेशन तक पूरा करना चाहते हैं। साथ में स्वच्छता सर्वेक्षण आने वाला है, उससे पहले हम चाहते हैं कि जयपुर के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं, सिंधी कैंप, रेलवे स्टेशन या चोमू पुलिया या जहां जहां से बाहर के लोग आते हैं, कम से कम वो सारी जगह साफ होनी चाहिए। और धीरे धीरे लोग हमसे जुड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि शहर के लोग धीरे धीरे नई नई साइट लेकर आए और फिर उनको साफ करने में हमारे साथ जुड़े और हम उनको रंग दें। अंजलि अग्रवाल जो अभी यहाँ पे बोल रही थी वो मेरी बड़ी बहन है, तो फिर मुझे उसका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, तो फिर जब से मैं जयपुर आई हूँ मैं इसमें साथ में हूँ। काफी यूथ जुड़ा है, सारे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, खंडेलवाल, सेवियर्स, बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आ रहे हैं। अभी हमारे साथ आईटीसी के भी लोग जुड़े थे, तो फिर काफी लोग साथ में बहुत सारा काम कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बस चंद युवाओं की ओर से शुरू की गई ये मुहिम अब रंग डालने लगी है। शहर को स्वच्छ, सुंदर और हरा भरा बनाने के इस काम में अब तक करीब 500 युवा जुड़ चुके हैं। ये युवा शहर में सफाई पेंटिंग के साथ ही आमजन को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इसमें अभी तक 700 से ज्यादा लोग हमसे जुड़ चुके हैं पूरे कैंपेन में, चौथे एडिशन तक आते आते। और इसमें कारी कॉलेज के बच्चों ने हमारे साथ सहयोग किया है। इसमें जैसे दिव्यांश पेंट्स एक लोकल मैन्युफैक्चरर है, वो पेंट के माध्यम से हमारा सहयोग करते हैं, निगम हमारा सहयोग करती है। तो शहर के लोग आ रहे हैं, अमूल की टीम आई थी एक दिन, तो अमूल के ऑफिस एम्प्लॉयज भी आए थे। तो हर बार नए नए तबके के लोग आते हैं और हमारे साथ जुड़ते हैं और एक एरिया को साफ करते हैं। हाँ जी सर, मतलब शुरू से जुड़े हुए कैंपेन से हमारा मोटो यही रहता है कि अगर नए नए लोग आके हमसे जुड़े, हमारा मोटो मेनली ये रहता है कि हम आपसे यूथ आके जुड़े, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को वही संभालेगा। अगर यूथ हमसे जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं यूथ जो गंदगी फैलाता है, अगर वो यूथ उस गंदगी को साफ करता है, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटो ये रहेगा कि यूथ उस गंदगी को अगर फैलाए नहीं उसकी। अगर हम यूथ को जोड़ते रहते हैं और नई नई चीजें करते रहते हैं, तो लगता है कि मतलब यूथ है ना, गंदगी नहीं फैलाएगा अभी, बस हमारा मोटो। शहर की साफ सफाई का जिम्मा यूं तो नगर निगम पर है, लेकिन अब युवा भी जिम्मेदारी का एहसास करने लगे। ऐसे में युवाओं के हाथों में दिखने वाली ये झाड़ू और कूची शहर भर में अपना रंग दिखाने लगी। कंट्री फाउंडेशन
चौथे चरण में जयपुर रेलवे स्टेशन के सामने मेट्रो पिलर्स और आसपास के क्षेत्र की सफाई का काम शुरू किया गया। बाहर से जयपुर आने